नमस्कार तुला राशि वालों का। गुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर, क्या फला फलादेश है तुला राशि वालों के लिए? गुरु बृहस्पति क्या करने वाले हैं? देखिए, ये वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आचार्य संजय ज्योतिष गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल से, गुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को अपना कुंभ राशि को त्याग करके, शनि का घर छोड़ के अपने स्वग्रह में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति संतान का कारक, पति का कारक, धन का कारक, ज्ञान का कारक, धर्म का कारक, शुभता का कारक, सौम्यता का कारक, मीन राशि काल पुरुष कुंडली के द्वादश स्थान, मोक्ष का स्थान, व्यय का स्थान, मुक्ति का स्थान, धर्म का स्थान, जलीय राशि स्त्री कारक राशि और काल पुरुष के पैर द्वादश स्थान पे जा रहे हैं। तो तुला राशि वालों का छठा गोचर, तुला राशि वालों का तृतीय और षष्टमाधिपति षष्टम पे गोचर करेंगे। तो इस समय गुरु बृहस्पति आपको क्या लाभ, क्या फायदा देंगे? देखिए, फायदा तो सबको दे रहे हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति का ये गोचर 6-8-12 का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया। और आप सबको पता होगा, चंद्रमा से षष्ठ गुरु बृहस्पति जब भी किसी की कुंडली में होते हैं तो संकट योग बना देते हैं, अप एंड डाउन, ऊपर उठा और गिरा, तो इसे बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया। छठा में गुरु बृहस्पति जिसका कुंडली में है, दूसरे का धन में मतलब जुआ खेलने वाला आदमी होता है। तो छठा गुरु बृहस्पति अभी कुंडली में गोचर में आपको क्या देने वाले हैं, उससे पूर्व एक सूचना। कृषि गुरुकुल का 1 साल, 3 साल, 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स हमारे कृषि गुरुकुल में प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो जो भी ऐसे जो युवा बंधु हैं वो लोग एडमिशन कर सकते हैं। सफलतम छात्रों के लिए नौकरी का व्यवस्था है, और ये ट्रेनिंग ऐसा है जहाँ ट्रेनिंग भी लेंगे और पैसा भी कमाएंगे। संपर्क कर सकते हैं, संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। अब बात करते हैं गोचरफल बृहस्पति का। मीन गोचर तुला से षष्ठ स्थान पे गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे, स्वाभाविक बात है। षष्ठ स्थान पे रह के उनका सीधा दृष्टि, पंचम दृष्टि तुला राशि वालों के कर्म स्थान पे जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कर्म का आपको उन्नति होगा। तुला राशि वालों का बहुत सारे जो रुके हुए काम थे वो बनेंगे। तुला राशि वाले जो शनि के ढैया के कारण उनका सारे काम पे ब्लॉकेजेस आ रहा था, वर्क फील्ड पे पीछे हो रहे थे, अब उनका काम अप एंड आउट होगा। क्यों? क्योंकि शनि बाबा भी अभी चतुर्थ स्थान छोड़ के पंचम में जाएंगे, दशम स्थान में उनका दृष्टि भी हटेगा, 7.5 ढैया का भी जो प्रभाव है वो भी घटेगा। तो तुला राशि वालों के लिए ये षष्ठ गोचर का, हालांकि षष्ठ गोचर इज नॉट गुड, रोग रिपूरण का क्षेत्र है छठा स्थान, और गुरु वहाँ बहुत अच्छा शुभ ग्रह वहाँ बहुत अच्छा फल तो नहीं देते हैं, लेकिन दृष्टि अमृतमय है। और क्योंकि कर्मस्थान कर्क राशि के ऊपर पंचम दृष्टि जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है गुरु आपके कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, प्रमोशन मिलेगा, काम नया काम का चांसेस है, काम पे मान सम्मान मिलना, उन्नति मिलना दिखाई दे रहा है। दशम स्थान पे गुरु का दृष्टि जाके आपके बहुत सारे रुके हुए काम को खोल देंगे, नया नया काम आपके सामने आ जाएगा। दशम स्थान पे जहां आप राजनीति क्षेत्र कहा जाए तो उस पे आपको सक्सेस सफलता मिलेगा, और दशम स्थान पे आपका धन का फ्लो को भी बढ़ाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव पार्ट है। अब गुरु बृहस्पति का षष्ठ स्थान से रह के द्वादश स्थान कन्या राशि के ऊपर गुरु बृहस्पति का दृष्टि आएगा, तो व्यय पे कंट्रोल आएगा, चोर चपेट एक्सीडेंट का कंट्रोल आएगा। हाँ, विदेश भ्रमण कुछ दे सकते हैं, पॉजिटिव भ्रमण, लेकिन बहुत ज्यादा आशा इसमें मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको द्वादश स्थान से विदेश से रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा जरूर, विदेश से कनेक्शन बैठेगा। तुला राशि वालों के लिए विदेश से इनकम सोर्स का भी बहुत अच्छा स्थिति बना रखे हैं, विदेश भ्रमण का भी एक संभावना दिख रहा है। अननेसरी जो भी आप अनवांटेड खर्चा विगत दिनों में करते करते आ रहे थे,
उससे भी मुक्ति मिलेगा। लेकिन तुला राशि वालों का एक बड़ा समस्या और भी है, क्योंकि केतुदेव घूम-घाम के आपके लग्न के ऊपर आ रहे हैं, तुला राशि के ऊपर, तो नेचुरली खेत छड़ाई खेत, लेकिन आध्यात्मिकता को भी बढ़ाएगा, क्योंकि गुरु का दृष्टि व्यस्तान पे और केतु का गोचर तुला राशि में, तो मानसिक विभ्रमता रहेगा, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, टेंशन रहेगा। चलिए वो केतु रहोगा गोचर फल में बात करेंगे, अभी तो हम बृहस्पति का बात करें, यानी बृहस्पति से जो सुप्ता मिलने वाला है आपको मिल रहा है। द्वादश स्थान दृष्टि के बाद छठा गुरु आपका द्वितीय स्थान वृश्चिक राशि के ऊपर भी इनका दृष्टि जा रहा है, धन स्थान पे जा रहा है, मतलब आपको अचानक धन प्राप्ति है, सोना आभूषण आदि में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। द्वितीय स्थान परिवार का स्थान, धन का स्थान, वाणी का स्थान, वाणी पे आपका शुद्धता आएगा, वाणी के माध्यम से भी रोजगार इनकम का सोर्स बता रहा है। तो तुला राशि वालों के लिए धन से और कर्म से और विदेश भाव से एक बहुत अच्छा आपका इनकम सोर्स बता रहा है। घर में मांगलिक कार्य का बहुत सारा संभावना है। द्वितीय स्थान पे आपको अच्छा भोजन, मिष्ठान इत्यादि मिलने का भी संभावना इस साल के अंदर बहुत बार आएगा। परिवार के साथ आपका सुख शांति समृद्धि रहेगा। थोड़ा सा स्पाउस हाउस डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि राहु केतु आपके लग्न के ऊपर ट्रांजिट होंगे, लेकिन गुरु बृहस्पति राहु से द्वादश में रहेंगे, तो इस कंडीशन पे डिस्टर्बेंस आने के बावजूद भी बचाने का काम करेंगे। ये सारे शुभ फल जरूर मिलेंगे, लेकिन क्योंकि केतु का गोचर रहेगा और द्वादश में गुरु बृहस्पति का दृष्टि भी जाएगा, तो स्वाभाविक बात है मुक्ति तो रक्षा तो होगा, लेकिन हेल्थ के प्रति ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सेवेंथ में राहु भी रहेंगे। और छठा रोग रिपु रण के स्थान पे गुरु बृहस्पति जब गोचर करते हैं, नेचुरली वहाँ बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए रोग रिपु रण से सावधान रहना जरूरी है। और लग्न के ऊपर दृष्टि भी नहीं जा रहा है और द्वादश में दृष्टि जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। ये जो भी शुभ फल का मैं आपको गिनवाया, एक विचारणीय चिंतनीय विषय यह भी है कि गुरु बृहस्पति स्वयं मीन राशि में रहने के बावजूद भी आगे राहु पीछे शनि के द्वारा पाप कर्तरी में फंस रहे हैं, साथ में पीछे पीछे मंगलदेव जा रहे हैं। तो चलिए उस गोचर के समय उसका बात करेंगे, लेकिन अभी गुरु बृहस्पति क्योंकि ये का पाप कर्तरी में फंसेंगे, तो इस शुभताओं में थोड़ा सा कमी जरूर आ सकता है। वेद लगने के कारण उस इन शुभताओं में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी आएगा, लेकिन दृष्टि तो उनका शुभ देगा ही, उसके तो लिए आपको बेफिक्र रहना है। लेकिन जिन संभावनाओं का बात बताया तुला राशि वालों के लिए, ये एक प्रिपरेशन का समय है, क्योंकि अगला समय तुला राशि वालों का पंचम शनि पनौती शनि भी होने वाला है, तो उसका भी दंड आपको भुगतना पड़ेगा। अगर अभी ये समय एक साल आपको जरूर गुरुदेव रक्षा करेंगे, एक साल के बाद गुरुदेव जब मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर पनौती शनि का दंड भी भुगतना पड़ेगा, और ये तो सबसे ज्यादा पेनफुल कहा जाता है। तो उस समय देखेंगे उसका शनि का रेमेडी और शनि का गोचर फल जब निकालेंगे तो उस समय बात करेंगे। तो अब तुला राशि वालों के लिए ये जो भी राशि फल बताया गया और विचारणीय विषय यही है कि गुरु जब पाप कर्तरी में फंसेंगे या छठा स्थान पाप कर्तरी में फंसेगा, तो ये एक साल डेढ़ साल राहु का गोचर हो जाने के बाद और गुरु उधर जाके आ जाने के बाद आप फिर एक पनौती शनि का फेस रहेगा, तो ये कोई बहुत अच्छा पीरियड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये गुरु बृहस्पति का समय अगर आप धर्म कर्म में लगाएंगे, मन जप पूजा पाठ में लगाएंगे, साधना ध्यान तपस्या में लगाएंगे, तो आगे बहुत अच्छा फल भी मिल सकता है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबाना ना भूलें, और इसमें इतना ही मैं कहूँगा कि अगर आप ये समय गुरु का एक शुभ समय को अगर लेके चलते हैं, आगे आपको बहुत अच्छा फल भी मिल सकता है। कुंडली विश्लेषण या किसी भी प्रकार के ग्रह जनित समस्या, पूजा पाठ कर्मकांड, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ इत्यादि करना करवाना या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437594375508059 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।